जमींदार लोग आकर के किस तरीके से अपना शासन सत्ता चलाने लग गए। आज जमींदार जो था, जितनी हमारी भोली भाली जनता थी, हमारे आपके पुरखे थे, इन सबको गुलाम बना करके खुद राजा बनकर बैठ गया और हमारे लोगों को भिखारी बना दिया, हमारे पूर्वजों को भिखारी बना दिया, खुद राजा बनकर बैठ गए। आज जमींदार जो है सबकी जमीन हड़प करके, सबका अधिकार हड़प करके खुद राजा बन गए, हमको आपको पैदल कर दिया, आज कैसे अपने शासन में। अरे हमारे भय से, हमारे भय से पृथ्वी चंदा मोल है, मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। मैं ये क्या देख रहा हूं, आज चौपाल पे हमारे कोई गुलाम नजर नहीं आ रहा। अरे गुलाम मर गया गुलाम। ये जमींदार, इसका भी कोई नौकर था और इसके और नौकर के हम सब गुलाम थे। आज जमींदार जो है अपने नौकर को बुलाता है, कैसे जब नौकर आया, जब नौकर तुझे पता होना चाहिए, हमारे शासन में होते हुए कोई भी इधर उधर चुगली नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने उन पे अपना शासन सत्ता जमा रखा है। कोई भी गुलाम हमारे खिलाफ तो बगावत के लिए तैयार तो नहीं हो रहा है। मैं ये पूछने के लिए तुझे बुलाया था गुलामा, और ये बता दो इतनी देर से कहा था, और मैं चौपाल में क्या देख रहा हूँ, तीन दिन से इसमें लग रहा झाड़ू नहीं लगी, इतना यहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। बलमुआ महाराज, यहाँ भैंसी भैंसा बांधे लग रहा है। क्या बांधने लग रहा था भैंसी? गुलामा कहा मालिक, तुझे पता होना चाहिए महाराज, ये चौपाल है, बैठ का है, इसे को बैठा कहते हैं, और इसको तू तबेला बना रहा है। सुन मेरी बात को गुलाम, कहा महारानी, क्या कहो महारानी, महाराज घर की याद आएगी, घर की याद आ गई थी तो घर से आ रहा है ना। नहीं मालिक, तुम्हारे भाई से लगा इतना, तीन लीटर जल दूध देते हैं। तुझे पता होना चाहिए गुलाम, अपने पास तो ऐसी कोई भैंस नहीं है जो 10 लीटर से नीचे दूध देती हो, और तू 3 लीटर की बात कर रहा है। एक जानवर है आपके तीरम पर, नहीं भैंस आए 18 लीटर से खा ले दूध। क्या कह रहा है गुलाम? भैंसा महाराज 18 लीटर दे लाई है। तेरी जुबान तो उनका बुलाया गाया, तुम बताओ, हम नहीं चले ऊपर। देख गुलाम,
आज मौसम कितना सुहाना है, ऐसे मौसम में कुछ समझ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, बरसात हो जाए। क्या हो जाए, बरसात हो जाए ऐसे मौसम में ना, हम कह जाए गेहूं पानी लगा लग थरा थरा हो निकल। मैं क्या कहना चाहता हूँ तुझे पता होना चाहिए गुलाम, इतने दिन से हमारे पास तो गुलाम बन करके रह रहा है और हमारे दिल के तो बात तक नहीं समझ पाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा मौसम सुहाना है, ऐसे मौसम में कुछ गर्म चीज होनी चाहिए। गर्म समझ रहा है, चलिए पानी ले महाराज, गर्म पानी हो। कन्या का पानी पिला रहा है, कहा तुम्हारा गरम तो मैं तो गरम इतने टाइम भरा हुई नीचे। मैं तुझे कन्या का पानी पीने वाला नजर आ रहा हूँ, क्यों रे बोलो, अपनी औकात से बाहर जा रहा है तू। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन, जा चला जा मेरे बेडरूम को, वहां से देख एक इंग्लिश का अर्था लेकर गया, मैं मूड बनाना चाहता हूँ। कहे भैंस क्या की भैंस है महाराज, मूडो तो कई प्रकार का। मैं मूड भैंस और भैंसे का नहीं कह रहा हूँ हराम खोर, मेरा आप दिल कर रहा है शराब पीने का। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जा चला जा मेरे क्वार्टर को, वहां से एक अच्छा लेकर के आओ। अच्छा हाँ भैया मालिक, आप तब तक इस पे विश्राम करो, बैठिए आपको बैठा के हमारे फटे तब पे बैठे जा, मैं बैठ जाऊंगा बोलूंगा। नहीं मालिक, फिर समय तनिक तुम बैठी का काजी कितना बैठे हो, मुंह बैठे काजी पे जाता है यहाँ से या नहीं। आप देखिए जमींदार कैसे अपने नौकर को भेजा, कहा जाए मौसम बड़ा सुहाना है हमारे लिए, कोई इंग्लिश का अड्डा लेकर के आओ। हमारे पूर्वजों को सूखी रोटी नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये इंग्लिश की बोतल शराब पिया करते थे, आज अपने नौकर को भेजा, कहा जाओ इंग्लिश का अड्डा लेकर आओ। नौकर चला और आया इंग्लिश का अड्डा लेकर, इंग्लिश का अड्डा लेकर आया, लेकिन अड्डा दूसरा था। नौकर गुलामा, हाँ मैंने तेरे से क्या मंगाया था और क्या लेकर के आया है मालिक, और लेकर के भी आया तो मेरा पैर ही तोड़ दिया। मैंने क्या मंगाया था तेरे से, इंग्लिश का अड्डा, क्या मंगाया था इंग्लिश का अड्डा, और लेकर के क्या आया है इंग्लिश का अड्डा। हराम खोर कमाल भैया, देखा ना इंग्लिश में भी बनी है कि नहीं, अम्मा बहनी तुम देखो भी बनी है कि नहीं, अभी हमका बेवकूफ बना ले तो कोई बात नहीं। हराम खोर गुलामो, मैंने इस इंग्लिश के अध्याय की बात नहीं की थी, हाँ मालिक का कौन सा, मैंने बिस्की की बात की थी, शराब की बात की थी, उसे बताया था मैंने इंग्लिश का अध्याय लेकर गया और ये तू दीवार जोड़ने वाला अध्याय ले आ। हराम खोर मालिक, मालिक अब हम जा रहे हैं, समझ गए इंग्लिश ये वाली दारू, तो कह रहा मालिक समझा दिन करो ऊंच सुनी थी, जब कहने वाला अध्याय लेकर के दोबारा चला और Thank you.
सब ले आना बात पीजिए आ गया लेकर इसी को कहते हैं इंग्लिश का आटा यही है रम यही है बिस्की यही है शराब सब तीन ही चीजें में मिली है सब चीज मिली होती है वही का कहते बड़ी खराब है क्या मालिक कुछ रहा है बहुत अच्छी कहा थे आज इंग्लिश की अभी लेकर के जिस समय वो आया है अरे बोलूंगा काया ये क्या है तूने एक एक गिलास में पाइप बनाया है दूसरा गिलास कहाँ है पानी दूसरा गिलास को पी पहले अब तक पी अरे आज हम और तू दोनों लोग पियेंगे मालिक हम देखो ना हम पिए ना बप्पा रहा है बप्पा बप्पा बाबा पर बाबा दादा पर बादा पिए नहीं तो मालिक हम कर छुई मालिक हम देखो मालिक चढ़ते हैं कहे हैं पिएंगे तब हम इसे कब मालिक देखो कहो पिए तो हर नहीं हाँ और अगर हम तो ऊंच नीच हो जाए पिए एक बार तो क्षमा जरूर कर दे कोई बात नहीं तुम तो हमारा नौकर है इसमें क्या बड़ी बात है हाँ तो मंजूर तो पिया में हाँ तो ले आज दोनों लोग कैसे शराब पीने लगे चला जा कोई नाचने गाने वाली मेरे लिए लेकर मेरा मुहूर्त अब नहीं बनी अरे मैं तो बहुत बड़ा लग रहा बेगू हो गया इस तो बिना घर के ये मुझे नौकर बता रहा राज बाबा आपको मेरी मान रहा है जा कोई नाचने गाने वाली बाबा अपनी औकात में रहे राजकुमार को कोई नाचने वाली ला मेरा मैं जो कह रहा हूँ सुन तुझे ऐसे नहीं सुनाई देगा हाथ को नहीं मानेगा लग रहा है इसको सिखाना पड़ेगा नौकर इन सबको क्या पता है अभी छत्री होने का फायदा इनको बताता से बाहर चला गया अपने अवकाश को भूल गया गुलाबों कि मैं एक गुलाब हूं और हमारा एक टुकड़े पे पलने वाला हमसे ही जुबान लड़ा रहा है गुलाबों तेरी ऊपर से नीचे तक सारी खाल उतार दूंगा गुलाबों सुन मेरी बात गुलाबों अब मूड बन चुका है बिगाड़ नहीं दिया जाए फिर पता होना चाहिए मुंड बनने के बाद में क्या होता है पता। क्या होता है कोई नाचेगा जा कोई देख बढ़िया सी अच्छी सी कोई नाचने गाने वाली लेके आ अरे मालिक आज तो फोन का जमाना फोन करके आ जाएगी तो नहीं फोन से नहीं बात होती है टेलीफोन तो जा और वहीं से बुला करके ले आ दे ठीक है अब नहीं मानती हो आपको
आज जवाब दिया जा हमारे लिए कोई नाचने गाने वाली, और ये नाचने गाने वाली कौन हुआ करती थी कोई गैर नहीं, हमारे आपके समाज की बहन बेटी हुआ करती थी जिसको जबरदस्ती नाचने पर मजबूर किया जाता था।